चीजें यहां पर कैपिटल ई लिखा गया, स्मॉल ई होना चाहिए, ये दोनों के दोनों स्मॉल ई कर लो, स्मॉल ई। क्या सिंबल तो कुछ भी लगा सकते हैं पर मेरे ख्याल से स्मॉल ई ज्यादा समझ में आएगा। हाँ स्मॉल ई ठीक है, दोनों की जगह स्मॉल ई और स्मॉल ई कर सकते हैं। ठीक है यहां तक? प्रूफ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लिखा भी हुआ है, ऑप्शनल है और नॉट फॉर एनसीईआरटी, और ये कंपटीशन में प्रूफ नहीं आता, एनसीईआरटी में नहीं आता, बट इसमें से ना एक आध चीज कंपटीशन में एक आध फॉर्मूला दिखाऊंगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बस एक बार दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ, अदरवाइज हम करेंगे नहीं इसे, मतलब एक बार बस स्टेप रीड कर दूंगा ताकि अगर कल को कोई क्वेश्चन बीच में से आए तो पता हो कि नॉलेज होनी चाहिए, पर ये करेंगे नेक्स्ट टाइम, थोड़ा लंबा प्रूफ है ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी शीट नंबर 144 नंबरिंग करते जाओ, 144 इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर सारे स्टीफन लॉ और सिमिस में कैल्विन में होते हैं, प्लीज कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 5.67 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी रेडिएट हो रही है जूल पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो ये क्या गिवन है, ई, और उसने कहा यह परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो छोटा ई नहीं बड़ा ई, तो क्योंकि सब कुछ एसआई में चल रहा है वॉट्स, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर बना लेना, ई आ गया, टेम्परेचर निकालना है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टी की पावर 4, तो यहां से टेम्परेचर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ई पता है सिग्मा पता है, सॉल्व करके ये आंसर आ गया, तो इसको सॉल्व करके 1000 केल्विन आंसर आ गया। तो अगर यानी कि किसी बॉडी का ई पता है आपको, इससे पावर पता है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर बहुत आसानी से निकल सकता है बाय यूजिंग स्टीफन लॉ। नेक्स्ट है ल्यूमिनोसिटी ऑफ स्टार, लिख लो ल्यूमिनोसिटी का मतलब एमिसिव पावर, ल्यूमिनोसिटी मीन्स एमिसिव पावर, एक ही बात है, ल्यूमिनोसिटी मीन्स एमिसिव पावर। तो ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार एमिसिव पावर इज 17,000 टाइम्स दैट ऑफ आर सन, तो स्टार की एमिसिव पावर मान लो E1 है और सन की E2 है, और स्टार्स या सन जितने भी हैं उनको बहुत जो है उनको परफेक्टली ब्लैक बॉडी ही माना जाता है। और वैसे भी एक चीज बता दूं, जिस क्वेश्चन में एमिसिविटी गिवन हो ना, यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं, अदरवाइज सारी कुछ अगर गिवन नहीं तो फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी का रिजल्ट लगेगा, और वैसे स्टार सारे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का रिजल्ट ही लगाएंगे। तो एमिसिविटी E1 और सन की, स्टार की और सन की 17,000 गिवन है, ठीक। और इफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन T2 गिवन है 6,000, स्टार का निकाल लो, तो मुझे पता है कि E परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा इनटू T की पावर 4, इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सन का स्टार का टेम्परेचर आएगा, तो स्टार का टेम्परेचर सन के साथ कैसे रिलेटेड है पता लग गया, तो आपको ये रेशियो पता है, आपको T2 पता है, ये आंसर आएगा। वैसे यहीं तक तो छोड़ सकते हो, इतना सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बाकी 1/4 को 2 बार अंडर रूट लेना पड़ेगा, 2 बार अंडर रूट लेना थोड़ा मुश्किल है, पर यहां तक छोड़ोगे तो भी चलेगा, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता नहीं है कैलकुलेशंस में, पर मेथड क्लियर है कि करना कैसे। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, ड्यू टू चेंज इन मेंस वोल्टेज, पीछे वोल्टेज चेंज हुई तो टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का टेम्परेचर बढ़ गया 3000 से 4000 केल्विन हो गया, व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड। पहले एक चीज को समझ लो, जो ई मान लो बल्ब इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इमिसिविटी नहीं गिवन ना, तो मैं इसको ब्लैक बॉडी मान लेता हूं, तो ई इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इनटू टी की पावर 4। ई का मतलब क्या है, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहां पर एनर्जी पर सेकंड लूं तो मुझे सिग्मा इनटू टी की पावर 4 में एरिया को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, इसी को तो क्या बोलते हैं, पी फॉर येलो, ठीक हो गया। तो एरिया से मल्टीप्लाई करके पावर, इसने नहीं किया, इसमें मैंने पावर को ये ले लिया, उसका रीजन ये है क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को पावर की रेशियो निकालनी है, तो रेशियो में एरिया से एरिया कैंसिल, हालांकि आप बना सकते हो प्लीज, एरिया एरिया से मल्टीप्लाई करके यहां पर एरिया कैंसिल करके दिखा दो, एक ही बात है, ताकि आपको याद रहेगा कि पावर का मतलब ई इंटू एरिया किया मैंने। तो बल्ब तो एक ही है, वही एरिया रहेगा पहले भी और बाद में भी, तो एरिया एरिया लगा के बाद में कैंसिल कर दिया। तो इसमें जब टेम्परेचर 3000 है तो पावर P1 है, जब टेम्परेचर 4000 है तो पावर P2 है, P2 पर P1 आ गया। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन पावर, तो नई पावर पुरानी पावर अपॉन ओरिजिनल पावर, तो P2 माइनस P2 बाई P1 पता है हमें, और सॉल्व करके परसेंटेज चेंज इन पावर आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन टू बी परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस गिवन, सन का रेडियस गिवन है, तो मैं एरिया तो निकाल ही लूंगा सन का यहां से। कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इन 1 मिनट, 1 मिनट में सन कितनी एनर्जी बाहर निकालता है, टेम्परेचर ऑफ सन पता है, रेडियस पता है तो एरिया आ गया, टाइम पता है टेम्परेचर, तो सिग्मा इन टू टी की पावर 4 क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया और टाइम दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बच गई, सिर्फ एनर्जी। तो लिख लो यहां ब्रैकेट में एनर्जी, दिस इज नॉट एनर्जी इमिसिव पावर, दिस इज जस्ट एनर्जी। तो एनर्जी क्या आएगी, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू एरिया इंटू टाइम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर आएगा, जूल में आंसर आएगा एनर्जी का, एनर्जी निकाली है जूल में आएगा। आखिरी दो क्वेश्चन, दूसरे बैच में बस ये दो हुए थे, उसके बाद बीच वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। स्फेरिकल बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडियस कितनी पावर एमिट करती है, 450, कितने केल्विन पर, 500 पे। अगर रेडियस को आधा कर दें, टेम्परेचर को डबल कर दें, तो पावर क्या निकलेगी। पहले काम करते हैं इसको ना, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 क्या होता है, और वैसे भी मिसिविटी नहीं है तो प्लीज इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले। सिग्मा इंटू टी की पावर 4 क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, एनर्जी पर सेकेंड यानी कि पावर। तो प्लीज यहां पावर बना सकते हो पी, जहां जहां इस एग्जांपल में आपको ई दिख रहा है वहां पी कर लो, जहां ई डैश दिख रहा है वहां पी डैश कर लो, करेक्शन करो, जहां ई दिख रहा है वहां पी कर लो, जहां ई डैश दिख रहा है वहां पी डैश कर लो, ई की जगह पी, ई की जगह पी,
ई डैश की जगह पी डैश, ठीक। तो सिंबल एक्चुअली गलत नहीं है ये, बट ये है कि सिंबल में थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो पावर इज इक्वल टू, समझ में आ गया। तो यहां पर एरिया 4πr² है, तो ये इनिशियल पावर आ गई। अब नई पावर क्या क्या करनी है, आर की जगह क्या रेडियस आधा हो जाए और टेम्परेचर डबल हो जाए। इन्हें अगर डिवाइड करेंगे 2 और 1 को तो नई पावर क्या आएगी, 4 times पुरानी पावर। पुरानी पावर कितनी है 450, नई पावर क्या आएगी 1800। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। और लास्ट प्रॉब्लम, टू बॉडीज ए एंड बी आर केप्ट इन इवैक्यूएटेड वेसल मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो दो बॉडीज हैं, 27 डिग्री सेल्सियस का चैम्बर है, ए का टेम्परेचर 527 है और बी का टेम्परेचर 127 है। तो चैम्बर में ए भी हीट को रिलीज करेगा और बी भी करेगा। कंपेयर रेट्स एट विच हीट इज लॉस्ट फ्रॉम ए एंड बी। तो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ए और बी, इसकी रेशियो निकालो। तो आज हमने डिस्कस किया सब कुछ केल्विन में लेना है। तो 27 डिग्री चैम्बर का टेम्परेचर है 300 केल्विन, ए का टेम्परेचर आ गया, बी का टेम्परेचर आ गया। ए कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू ये रहा। बी के लिए टी टू और टी नॉट डिवाइड कर दें, टी वन पता है, ए का टेम्परेचर पता है, बी का पता है, चैम्बर का पता है, आंसर 23 टाइम्स। कोई डाउट है इसमें?